देख बिना ब्रेक डाउनलोड तक ऐप। ट्रेड वॉर से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख देने वाले अमेरिका और चीन ने समझौता कर लिया है। समझौता व्यापार युद्ध से बचने का, एक दूसरे के देश में आयात और निर्यात करने वाले सामानों पर टैरिफ नहीं लगाने का, समझौता बढ़े टैरिफ को कम करने का। ये एक ऐसा समझौता है जो हुआ तो दो दुश्मनों के बीच है, लेकिन इसका फायदा पूरी दुनिया को मिलने वाला है, क्योंकि दोनों देशों के बीच ट्रेड वॉर को खत्म करने के लिए पहली सीढ़ी चढ़ते हुए पहले चरण की व्यापार समझौते पर सहमति बन गई है। इससे दोनों देशों के बीच पिछले 17 महीनों से चल रहा ट्रेड वॉर फिलहाल थम जाएगा। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस समझौते पर हस्ताक्षर कर चुके हैं और सिर्फ आधिकारिक होना बाकी है। समझौते की शर्तों के मुताबिक 160 अरब डॉलर यानी करीब 11 लाख करोड़ रुपए के चीनी आयातों पर 15 दिसंबर तक लगा प्रस्तावित अमेरिकी टैरिफ टल जाएगा। जिन उत्पादों पर आयात शुल्क लगाया जाना था उनमें इलेक्ट्रॉनिक्स और खिलौने भी शामिल थे। वहीं चीन से आने वाले सामान पर पहले से लग रहे कुछ टैरिफ में 50% तक कटौती की जाएगी। समझौते के तहत चीन अमेरिकी कृषि उत्पादों पर आयात शुल्क घटाकर खरीद बढ़ाने को राजी हुआ है। अमेरिका और चीन के बीच अक्टूबर से इस संबंध में वार्ता चल रही थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तभी संकेत दिए थे कि इस साल के आखिर तक पहले चरण की डील हो सकती है। हालांकि पिछले दिनों ट्रंप के एक बयान से सनसनी मच गई थी, जिसमें ट्रंप ने कहा था कि वो समझौते के लिए 2020 के चुनावों तक इंतजार कर सकते हैं। दूसरी ओर अमेरिका चीन के बीच समझौते की रिपोर्ट से दुनिया भर के शेयर बाजारों में तेजी आई है। अमेरिकी शेयर बाजार का इंडेक्स डाओ जोन्स गुरुवार को 0.79% और नैसडेक 0.77% बढ़त के साथ बंद हुआ। भारत समेत दूसरे एशियाई बाजारों में भी तेजी देखी जा रही है।